चाहिए निकाल। जी ऑन मून। और पुत्र देखो कौन सी चीज है आपकी, एनी अदर पॉइंट। ओके, टू ऑब्जेक्ट्स ऑलरेडी हैं, थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, सो दैट उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो, है ना। और पुत्र एनी स्टूडेंट हैविंग एनी अदर पॉइंट। पूरा सिलेबस जितना भी हमने कवर किया है आज तक, जो भी पढ़ा है, आपको कोई भी दिक्कत वाली बात है तो बताइए, सो दैट कि वो कंप्लीट किया जा सके। यही दो चीजें हैं। चलिए पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखते हैं, ठीक है जी। हाँ बोलो। ठीक है। अच्छा पास, चलो रखो अपने पास। जी की वैल्यू बेटे मून की सरफेस पे हमने कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइए देखें बेटा। हमने स्मॉल जी को जी एम अपॉन आर के स्क्वायर के बराबर प्रूव कर रखा है ऑलरेडी। ये आपका स्टैंडर्ड रिलेशनशिप है, दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू, यस ठीक है जी। अब जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर हमने कहा हुआ है ऑलरेडी। यहां पे अगर आप बेटे कैपिटल एम जो है इसको मास ऑफ द मून ले लेते हैं एंड कैपिटल आर को रेडियस ऑफ द मून ले लेते हैं, तो जी की वैल्यू आपकी मून की सरफेस पे कुछ इस तरीके से आ जाएगी, जी मास ऑफ द मून रेडियस ऑफ द मून का स्क्वायर। बच्चों आपकी एनसीईआरटी बुक पर मून का मास भी लिखा होगा, रेडियस भी लिखा होगा, देख के मुझे बताइए व्हाट इट इज। रेडियस ऑफ द मून एंड मास ऑफ द मून जरा बोल के बताइएगा। इट इज 7.36 × 10^22 kg एंड रेडियस मून का 1.74 × 10^6 meters, है ना। सो आइए बेटे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वी विल गेट दैट जी दिस इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 10^-11 मून का मास 7.36 × 10^22 इन द डिनोमिनेटर। आपके पास बेटे जो है ये रेडियस है 1.74 × 10^6 इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। कर लेते हैं। सो जी मून पे आ जाएगा 6.67 × 7.36 इन द डिनोमिनेटर 1.74 अगेन 1.74 × 10^-11 ये पड़ी है 22 ये पड़ी है 6 दो बार डिनोमिनेटर में आ गया, ये ऊपर जाकर -6 - 6 हो जाएगा, चेक करिएगा ठीक है जी। सो जी बन गया जी 6.67 × 7.36 इन द डिनोमिनेटर 1.74 × 10^22 ये है, ये 12 or 11 33 हो गया है ना, नहीं 23 सॉरी, तो ये -1 हुआ। फिर चेक करना बेटा, चेक करिएगा सारे बच्चे बेटे, ऐसा है ये 22 ये 12 or 11 माइनस के 23 तो माइनस का 1 बच गया, बाकी सारे एडजस्ट हो गए। और ये चीज को सॉल्व करेंगे जब आप कितना बना था ये है 1 पॉइंट नहीं आएगा 16.25 आएगा क्योंकि ये पावर -1 इधर है ना। सो जी विल बी 16.25 कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आप इसको चेक कर लेना, ये पक्का नहीं है बेटा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन पार्ट को। तो जी आपके पास आ गया फिर
मैं ये साइन एडजस्ट कर देता हूँ, 1.6 इतना ही रहने देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपके पास मून पर जी की वैल्यू निकल आती है बेटा, चेक कर लीजिएगा सारे स्टूडेंट्स बेटा, इज इट देयर, समझ आ गया पुत्र सबको? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आइए आगे चलें। So, इसके बाद हमारे पास है बेटे थर्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हम चाहते हैं कि उस पर नहीं एक्ट करे कहीं भी। ऐसे एक मैं करूंगा एक आप करोगे, ठीक है जी? करें स्टार्ट, लिखो फिर एक स्टेटमेंट। टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस, टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मासेस 5 kg एंड 10 kg, 5 kg एंड 10 kg आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 kg एंड 10 kg आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 meters from each other, 2 meters from each other, where should a third object of mass 2 kg, where should a third object of mass 2 kg be placed on the line joining the two objects, on the line joining the two objects such that it experiences, such that it experiences no gravitational force। ये मैं कर रहा हूं, अगले वाला आप करेंगे, ठीक है? चलिए आइए देखिए। ये बेटा आपके पास एक 5 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास एक 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हमने यहां पे प्लेस कर रखा है। इनके बीच में सेपरेशन 2 मीटर्स का ये एसएच है, ये लाइन ज्वाइनिंग द टू हो गया। अब मान लेते हैं कि यहां पे हमने 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट प्लेस कर देना है, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है ये, दिस इज 2 kg ऑब्जेक्ट, ठीक है? इस डिस्टेंस को बच्चों हमने बोल दिया जी x, ये हमें नहीं पता कितना है। अगर ये x है तो बाकी कितना बचा भाई आप बताओ? इट इज 2 माइनस एक्स, राइट? अब इस ऑब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा जरा, इधर मिडल में जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट पर आपका 5 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा वो इस तरफ डायरेक्टेड होगा। इसको मैं F1 कह दूं, कोई बच्चा लिखवाएगा फॉर्मूला F1 के लिए? G m1, ये जनरल हमारा फार्मूला है। यहाँ पे M1 आपका है 5 किलोग्राम, M2 है 2 ये है ना, अब M2, ठीक है? और डिस्टेंस दोनों के बीच में x के बराबर का, तो F1 कितना बन गया जी? कैपिटल G इंटू 5 इंटू 2 अपॉन x का स्क्वायर। लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, समझ आ गया? इसको ये कौन है बच्चा पुत्र, इधर ध्यान दीजिएगा, ये 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट इस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करेगा, लेट मी कॉल दिस एज F2। और ये जो आपका F2 होगा, नहीं यस अभी तो लिखा ही नहीं, पहले ही यस हो गया है, जी इंटू 2 इंटू 10, लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। तब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा,
2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट जो है ये, इस पर कोई भी फोर्स तब एक्ट नहीं करेगा जब F1 F2 को कंप्लीटली बैलेंस कर लेगा, ठीक है। सो है बोलो, कुछ कहना चाहते हो कोई बच्चा बजे? हाँ बोलो बेटे, बोलो अपने मन की बात बताइए। आप बताओगे तभी उसका कुछ हम बेटे एनालिसिस करके आपको, हाँ जी समाधान करेंगे। यस, शरारती हो गए हैं। F1 इज इक्वल टू F2 कर दें, डायरेक्शन अपोजिट है, अगर कैंसिल आउट कर गए तो जीरो, यही चीज हम चाहते हैं। सो ये आ गया। हाँ 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 हाँ, सुनो तो सही यार, आप मेरी बात भी सुनो ना। ये चीज कुछ इस तरीके से आ गई, ये खत्म। 5 2s are, x को रहने दो, ये बन गया 1/x का स्क्वायर 2/, ऐसे कर दें, इधर आ जाओ। अब ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ये 2 को देख रहे हो, 2 ही है ना ये? अब भी 2 ही है, ऐसे कर सकते हैं, तो कर दिया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप, हैं? क्या हुआ? √2 का स्केट वही होता है, तो वही है। आपने मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर स्क्वायर्स दोनों साइड्स पे बराबर हो तो बेसिस भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ ऐसे कह लो, अगर ऐसे नहीं कहना ना, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए पूरी टर्म का, राइट साइड और लेफ्ट साइड पर, ऐसे तो लिख सकते हैं हम। तो फिर हमारे पास क्या बच गया जी, 1/x इज इक्वल टू √2, ये बना, क्या कहते हो यहां पर वही करने लगे हैं, स्क्वायर रूट लेकर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, पहले नहीं करना, गड़बड़ हो जाएगा। ताकि ये मेरी बात एक मिनट सुन फिर से सुनो, अगर मैं यहां पे स्क्वायर कर दूं इसका, जैसे यहां पे था, स्क्वायर में पावर डबल आएगी, एक्स के स्क्वायर के टर्म आ जाएंगी, आपको क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आपका एक अलग मैथ का प्रॉब्लम इसमें आ जाएगा, बड़ी लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ जाएगी 2 नंबर के न्यूमेरिकल में, तो बड़ा लेंथी चल जाएगा। है? अगर आप बेटे कर सकते हैं, बहुत खुशी वाली बात है, मैं आस करता हूं कि आप कर भी लोगे, लेकिन अगर 3-4 मिनट लग गए तो टाइम तो निकल गया। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 - x इज इक्वल टू √2x आ गया। है? अभी लग रहा है, इसको x को उधर ले जाओ, 2 = x + √2x आ गया, आ गया ना, थोड़ा सा नहीं पूरा ही है। 2 = 1 + √2x को मैंने कॉमन ले लिया, ऐसा है, तो x फिर कितना बन गया भाई, इट इज 2/1 + √2x ही आपको निकालना था। तो अगर आपको इधर से डिस्टेंस निकालना है तो 2 में से इसको माइनस कर दो, दैट्स ऑल। छोड़ सकते हैं बेटे, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो आप √2 की वैल्यू पुट कर दो, 1.414, फिर वो 2.414 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर इसको सॉल्व कर लो, ठीक है जी। अच्छा लग रहा है, चलिए ठीक है। 3 का भी आ सकता है, 2 का तो मैं मैंने वैसे ही बोल दिया ना, 3 का भी आ सकता है, कर लीजिए कर लीजिए। एक लिखवाऊं आपको, अब करोगे पक्का? लिखिए फिर, 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स फ्रॉम ईच अदर।
are separated by a distance of 3 meters from each other, where should an other object of mass 3 kg, where should an other object of mass 3 kg, where should an other object of mass 3 kg be placed on the line joining the two objects such that it experiences no gravitational force. बहुत बढ़िया, करिए, दो मिनट लगाइए. I will also be solving, but in the end आप करिए इसको सॉल्व. हाँ नहीं नहीं हाँ वो सॉल्व ही करूंगा मैं. लगाइए दो मिनट ऑल ऑफ यू. मुश्किल कुछ भी नहीं, फिजिक्स बहुत आसान, सीधी सीधी बातें समझ आनी चाहिए. करना है सॉल्व, बैठना नहीं है. क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड गुड, करिए करिए, शाबाश. इंटेलिजेंट हो गए सारे ना. अच्छी बात है, अच्छी, कोई बुरी बात नहीं है. सारे बच्चे दो मिनट लगाइए, सॉल्व करिए. And tell me the answer, what it is turning out to be. करते जाइए. मुश्किल कुछ भी नहीं. आएगा, समझ भी आएगा, चिंता मत करो. आप थोड़ा प्रैक्टिस किया करो, सब समझ आएगा. हाँ जी गुड़िया. अच्छा बच्चों कर रहे हो, आवाज आ रही है आपकी, लेकिन ये न्यूमेरिकल की रिगार्डिंग आवाज नहीं है, है ना? हाँ हाँ, रूट थ्री प्लस वन ओवर सिक्स, ठीक है. चलिए मैं भी करता हूं, आप कंपेयर करिएगा. इनके बीच में 3 meters का सेपरेशन आपको दे रखा है और आपने यहां पे 3 kg का, नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, 3 kg का ही रखना है ना बीच में, यही बोला है ना. ये आपने रख दिया, ये डिस्टेंस आपने बोला एक्स बेटा, बाकी कितना बचा, कितना कितना, हाँ जी अब बात बनी, ठीक है. ये आ गया, ये 2 kg वाला ऑब्जेक्ट 3 kg वाले ऑब्जेक्ट को इधर को ट्रैक करेगा, फोर्स एफ वन. ये 3 kg वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स एफ टू. आपको दोनों लिखकर इक्वेट कर देने. F1 आपके पास कितना आ रहा है, G इंटू टू इंटू थ्री अपॉन X का स्क्वायर. F2 कितना आ रहा है, G इंटू थ्री अगेन थ्री, थ्री माइनस X का स्क्वायर. तो दोनों को इक्वेट कर दें. ये आ गया G इंटू टू इंटू थ्री अपॉन X का स्क्वायर. G हाँ कितना आ रहा है, कटेंगे काट देंगे, ये लो. हाँ G is also getting cancelled.
इसको डियर चिल्ड्रन में ऐसे लिख दूं, रूट टू अपॉन एक्स इसका सारे का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस, बेटे ऐसे लिखने में कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है, हो सकता है अगर इसका है बेटे आप, दिस इज नॉट फेयर, आप इतना अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, अच्छा खासा, गुड गुड गुड, आप ऐसे नहीं एक्सपेक्ट करते आपसे, आप नाइन्थ अब ना, अरे बेटे नाइन्थ खत्म होने वाली हो गई है अब तो, हाँ तो देखो अभी इतना मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है। स्क्वायर रूट ले लीजिए, रूट टू अपॉन एक्स, रूट थ्री अपॉन थ्री माइनस एक्स, ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये आ गया रूट टू इंटू थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, यही बना, कुछ और बन रहा है ये तो है? ये बन गया, let me adjust this a little bit, we will have, ये बन गया थ्री रूट टू माइनस रूट टू एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री एक्स, ये आ गया, इधर ले जाए, दिस इज इक्वल टू रूट टू प्लस रूट थ्री एक्स, ये आ गया, कैसे 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 दिखाना, ये आपने क्या किया गुड़िया, इसमें वो पुत्र जी, इसमें आपका वो टू कहाँ चला गया, ये वाला टू आपका किधर गया, देखना एक मिनट बेटे, टू इंटू थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर, थ्री इंटू एक्स का स्क्वायर किधर मल्टीप्लाई कर दिया आपने, नहीं कर सकते बेटा, बेटा सुनो वेरी बैड, ये आपका टू जो है ना, ये इसके सारी टर्म के स्केयर के साथ मल्टीप्लाइड है, आप अकेला थ्री के साथ नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ठीक है, तो ये आ जाएगा थ्री रूट टू, नहीं एक्स निकालना है आपको, दिस इज थ्री रूट टू अपॉन रूट टू प्लस रूट थ्री, ये आपके पास आ गया एक्स, वैल्यूज पुट करके आप निकाल सकते हो, हाँ जी हाँ हाँ नो प्रॉब्लम, क्या कैसे आया कहाँ, ये वाला इधर के ले गए ना, आपको एक्स चाहिए, इसको एडजस्ट कर दिया अंदर, डिनोमिनेटर चेक करके देखिएगा ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट और नॉट एनी पॉइंट, यस सर बड़ी जल्दी कह देते हैं आप, लेकिन है? हाँ बेटे बोलो, एक और दूं, लिखो लिखो लिखो, कोई बात नहीं, कर लो कर लो कर लो, हाँ जी हाँ जी, एक मिनट बेटे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, राइट डाउन, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट ऑफ, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट एच इक्वल टू, एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट एच इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, कैलकुलेट जी एट दिस हाइट, यहां पे जी निकालिए, एट दिस हाइट, फार्मूला क्या है याद है कि भूल गए, यस बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, जी एट ए हाइट एच इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का सारे का स्क्वायर, अब आप, हाँ जी बेटे हाँ जी, ये देखो जी,
एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू ए हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द जी एट दैट हाइट. दिस इज द प्रॉब्लम. फार्मूला आपके सामने है, वैल्यूज पुट करिए एंड चेक आउट व्हाट इट इज टर्निंग आउट टू बी. शुड आई सॉल्व? क्या आप करोगे? मैं तो करूंगा ही भैया, आप पहले एक बार ट्राई तो कर लो. मैंने तो करना ही करना है. हाँ जी, ये कुछ कह रहा है बच्चा, ये दबी दबी आवाज में कुछ कहता है, खुल के नहीं बोलता. हाँ? कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. जी की वैल्यू एट ए हाइट एच, इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है तो करो ना. फिर कितना आ रहा है? हाउ मच इट इज टर्निंग आउट टू बी? यस डियर ऑल, हाँ जी 7.35. चलिए मैं भी करता हूं, आप देखिएगा. जी एट ए हाइट एच इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच कितना था 1/3 आर, इसका स्क्वायर ये आएगा. जी एट ए हाइट एच इज जी ऑन द सरफेस, आर का स्क्वायर अपॉन This is 3 + 1 = 4/3 r, इसका स्केयर कर दूं. G at a height h is g on the surface and this is 9/16 into r square upon r square. So g at a height h is 9/16 of g on the surface. चेक कर लीजिएगा, ये आ रहा है, सबका आ रहा है. गुड, एक छोटा सा और कर लीजिएगा. कर लो बेटे, कर लो. हाँ, क्या कहता है? कंट्रोल योर सेल्फ बेटा. चलें फिर बेटे आगे बच्चों. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 250 न्यूटन एट ए डेप्थ डी इक्वल टू आर बाई 4. Weight of an object is equal to 250 newton at a depth d equal to r by 4. Calculate this weight on the surface of the earth. Earth ki surface pe nikalna hai. Karke dekhiye aur bataiye what it is turning out to be. कर लोगे? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटे, थैंक यू ऑल. कोई आपका डाउट है तो बताइए. थैंक यू ऑल.